This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया और मेरी साथी निशा एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं लोकल टीवी पे आज के कुछ ताजा तरीन खबरें लेकर। आज है तारीख 16 फरवरी 2022, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आइए देखते हैं हेडलाइंस। आज माघ पूर्णिमा, शुरू हुई मेडारम यात्रा, आज से गंगापुर यात्रा। संगीत जगत को आज लगे झटके, कमजोर छात्रों के लिए 100 दिनों का विशेष प्रोग्राम। दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, पागल ने मारी ईंट। राजा सिंह का यूपी में प्रचार, 225 रुपए में मेडारम प्रसाद। स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन शुरू, साइबर क्राइम रिपोर्टर का टोल फ्री नंबर बदला। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज माघ महीने की पूर्णिमा है। आज पूरे देश में सनातन धर्म मनाने वाले श्रद्धालु बड़े पैमाने पर अपने आसपास की नदियों में स्नान करते हैं। गोदावरी नदी में भी काफी लोग डुबकी लगाते हैं। आज कागज नगर से लोग भाग्यनगर एक्सप्रेस चढ़कर भारी मात्रा में मंचरियाल जाकर गोदावरी जी में पवित्र स्नान करते हैं। उत्तर प्रदेश के संगम प्रयागराज में तो आज मेले का आयोजन होता है। हर तीर्थ पर आज बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मथुरा वृंदावन में, यमुना जी में, उज्जैन के क्षिप्रा नदी में, अयोध्या के सरयू और बनारस के गंगा जी में बड़े पैमाने पर लोग सुबह सुबह पवित्र स्नान करते हैं। इस एक तस्वीर में आपको हजारों की भीड़ दिखाई देगी। ये भीड़ है तेलंगाना के मुलुगु जिले में चल रहे सम्मक्का सारक्का यात्रा में। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनजातिक मेला है, इसे गिनीज बुक में भी जगह मिली है। इसके बारे में हम आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बाद में भेजेंगे। हमारी टीम पूरे तेलंगाना में होने वाले बड़े उत्सवों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाए। करोड़ों श्रद्धालु आज मेडारम गांव पहुंचेंगे। ये सिलसिला लगातार 4 दिनों तक चलेगा। हर 2 साल में ये मेला लगता है। जब इतने सारे मेलों की बात हो रही है तो एक और मेले की बात करते हैं, जो कि हमारे कागज नगर के काफी करीब है। जिले में बड़े बड़े मेलों में से एक गंगापुर यात्रा का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में आज विशेष पूजा होती है। आज सुबह सुबह जिले के दोनों विधायक आत्राम सक्कू और कोनेरू कोनप्पा पूजा करने पहुँच गए। दोनों ने विशेष पूजा की। आज से लेकर आने वाले 2 दिनों तक ये मेला लगातार जारी रहेगा। बड़े मात्रा में श्रद्धालु यहाँ बालाजी की पूजा करने आते हैं। कहते हैं कि आज एक दिन तिरुपति के बालाजी का मंदिर बंद रहता है और बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती जी के साथ गंगापुर आते हैं। जहाँ एक तरफ आज उत्सवों का आनंद है, वहीं संगीत जगत को फिर से एक तगड़ा झटका मिला। पहले तो लता जी गुजरी, अब बंगाली सिने जगत की मेलोडी क्वीन कहे जाने वाली संध्या मुखर्जी का निधन हुआ। वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की शिष्या थी। बंगाली जगत में हर जगह उनके गानों ने काफी बड़ी जगह बनाई थी। उनके ठीक साथ आज बॉलीवुड के विख्यात म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर रहे बप्पी लहरी की भी मृत्यु हो गई। बप्पी जी ने न सिर्फ बंगाली गाने बनाए बल्कि बॉलीवुड में भी ढेर सारे फेमस गाने बनाए। दोनों का आज एक ही दिन गुजर जाना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा झटका है। कल कोमरम भीम जिले के जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO ने आसिफाबाद मंडल के गोया गांव, झरी और धानोरा के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कई बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, उन्हें पढ़ने और लिखने में टीचर्स को मदद करनी पड़ेगी। ऐसे जितने बच्चे हैं उनको टीचर्स 100 डे प्रोग्राम में सेट करे। उन्हें लिखने पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए टीचरों को 100 डे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। 100 दिनों में उनको पढ़ने लिखने आना चाहिए। ना सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चे बल्कि प्राइवेट स्कूलों वालों को भी इसी तरह बच्चों पर ध्यान देना चाहिए।
पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में दीप सिद्धू ने काफी नाम कमाया था, लेकिन पब्लिसिटी के चक्कर में वो भी किसान आंदोलन में भाग लेकर मोदी को कोसते दिखाई दिए। काफी पंजाबी कलाकार थे जो खुलेआम मोदी को गालियां देते और उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहे। पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दीप को काफी भाव दिया, लेकिन बाद में दीप राजनीतिक जालों में फंसते चले गए। कोई भी पार्टी में वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। उनके ऊपर काफी पैसों के घपले के मामले भी हैं। सीबीआई की जांच भी उन पर चल रही है, लेकिन आज सुबह एकाएक ये खबर मिलती है कि दीप सिद्धू एक रोड हादसे में गुजर गए। क्या ये एक साधारण घटना है या फिर एक सोची समझी साजिश? बता दें कि पंजाब में चुनावी रण अपने चरम पर है, 20 को वोट डालने वाले हैं, ऐसे में दीप सिद्धू की मौत काफी चौंकाने वाली है। कभी कभी कागज नगर की सड़कों पर कुछ पागल दिखाई देते हैं, फटे हुए कपड़े पहने अकेले अकेले दर दर भटकते हैं, सड़कों के किसी कोने पर बैठे रहते हैं। ऐसा ही एक पागल कागज नगर के फ्लाईओवर पर घूमता पाया जाता है। फटे कपड़े पहनकर काला चश्मा लगाकर ये दिन रात घूमता है। कल इसने अचानक से एक दुकान में घुसकर उसके मालिक को ईंट से मार दिया। इससे आसपास में हड़कंप मच गया। सभी आकर उस पागल को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो जा नहीं रहा था। लोगों ने आखिर में उससे हाथापाई किया तो वो चला गया। हैदराबाद गोशा महल विधायक ठाकुर राजा सिंह आज कल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी का बुलडोजर रवाना हो चुका है, आप लोग अगर दबा के कमल छाप पर वोट देंगे तो जल्द ही ये बुलडोजर की इंजन शुरू हो जाएगी और बेईमान गुंडों और अपराधियों के सारे कुख्यात ठिकानों को ध्वस्त कर देगी। जनता जाग गई है, अब जल्द ही भाजपा का पालन तेलंगाना में भी होने वाला है, ऐसा ठाकुर राजा सिंह ने कहा। बता दें कि राजा सिंह अलीगढ़ इलाके में प्रचार में लगे हैं। भाजपा के प्रसिद्ध नेता रहे कल्याण सिंह जी के लोध समाज से जुड़े ठाकुर राजा सिंह अपनी वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। राजा सिंह भी लोध समाज से आते हैं। अवंती बाई लोध के साथ गए उत्तर प्रदेश की ये समाज आज हैदराबाद के कोटी और गोशा महल इलाके में बसे हैं। कोमरम भीम जिले के एक ईडीएम गौतम राजू जी ने कल प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है कि अगर आप मी सेवा में 225 रुपयों का रसीद कटवाएंगे तो आपके घर पर सम्मक्का सारक्का यात्रा का महाप्रसाद डाक विभाग यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए भिजवा दिया जाएगा। तेलंगाना में 3 स्पोर्ट्स स्कूल है, एक हैदराबाद के हाकिमपेट में है, दूसरा करीमनगर में है और तीसरा आदिलाबाद में है। इसके एडमिशन शुरू हो गए हैं। फोर्थ और फिफ्थ क्लास में इसकी एडमिशन होती है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज नोट कर लीजिए। पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा 10 पासपोर्ट साइज फोटो, तीसरा है आधार कार्ड, चौथा है पिछले क्लास का रिपोर्ट कार्ड, पांचवा है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर बच्चे को फोर्थ क्लास में भर्ती लेना है तो उसकी उम्र 8 या 9 साल होनी चाहिए। अगर बच्चे को फिफ्थ क्लास में भर्ती लेना है तो उसकी उम्र 9 या 10 साल होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें पहले 30 मीटर फ्रेइंग टेस्ट होगी, उसके बाद स्टैंडिंग ब्रैड जंप होगा, उसके बाद 6x10 का शू शटल रन होगा, उसके बाद वर्टिकल जंप और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होगी, उसके बाद 1 किलो बॉल पुट होगी, फिर 800 मीटर की रनिंग रेस होगी, आखिर में डॉक्टर बच्चे की मेडिकल टेस्ट करेंगे। 24 फरवरी को जिले के AHN गर्ल्स स्कूल में ये सिलेक्शन होगा। अब साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए नया टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। पहले 155260 पर ये काम होता था, लेकिन अब से आपको साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए 1930 पर फोन करना होगा। याद रखिए, अगर कोई भी आपसे आपकी यूजर आईडी या ओटीपी पूछ रहा है जिसकी कोई जानकारी आपको नहीं है, या फिर आपकी डेटा चुरा रहा है, या फिर आपकी फेक अकाउंट बना रहा है, तो आप इस नंबर पर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों परिजनों और खास तौर पर
कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।